नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं यूपी की खबरों की ओर। तो बांदा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राणा प्रताप पुष्पांजलि करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बुंदेलखंड की बांदा की अगर बात करें तो 2017 के पहले क्या स्थिति थी, सब कुछ अच्छा नहीं था। जब हम बुंदेलखंड के पहले दौरे पर आए थे तो एक विकास और दूसरा माफिया राज को बुंदेलखंड की दो बड़ी समस्याएं बुंदेलखंड के अनुरूप हमारे जनप्रतिनिधियों की सक्रियता के माफिया राज को समाप्त किया गया है। बुंदेलखंड उन्नति के पथ पर अब चल रहा है। औरैया में नगर निकाय चुनाव अपने अंतिम दौर पर है। वही भाजपा, सपा और निर्दलीय प्रत्याशियों ने विशाल जुलूस निकालकर मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की है। चुनाव प्रचार रुकने के अंतिम दिन दावेदारों ने अपनी ताकत का एहसास कराया। उधर किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स भी सतर्क रहा। जुलूस निकालने से यातायात भी कहीं ना कहीं प्रभावित रहा है। तो औरैया में निकाय चुनाव का प्रचार अब थम चुका है। आपको बताते चले कि इस दौरान अंतिम दिन सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। चाहे वो भाजपा हो, सपा हो या बसपा ही क्यों ना हो, तमाम पार्टियों के प्रत्याशी दिग्गज नेताओं के साथ एक विशाल रैली निकालते हुए नजर आए हैं। नगर में जहाँ देखो वहाँ जल भराव है, सीवर की समस्या है, सड़कों पे गंदगी का माहौल है, नगर पालिका भ्रष्टाचार से पूरी तरह लिप्त है। हम चाहेंगे कि औरैया नगर का सर्वांगीण विकास हो। हमारी केंद्र में सरकार है, हमारी राज्य में सरकार है। हम चाहेंगे कि औरैया नगर पालिका में हमारी सरकार बने, जिससे तीनों सरकारें मिलकर औरैया नगर का चौमुखी विकास कराएं। उत्तर प्रदेश में होने वाले दूसरे चरण के चुनाव को लेकर आज नगर निकाय चुनाव पर प्रचार प्रसार के अंतिम दिन सभी पार्टियों ने अपनी शक्तियों से प्रदर्शन किया है। वहीं अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से नगर पालिका प्रत्याशी राजकुमार दुबे, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी लालजी शुक्ला, वहीं समाजवादी पार्टी से अनूप गुप्ता, वहीं बसपा प्रत्याशी मुन्ना पाल, आम आदमी पार्टी से रविकांत वाजपेयी के अलावा कांग्रेस पार्टी से दिलीप तिवारी ने सभी ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाकर लोगों से जनसंपर्क करते हुए नजर आए। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगामी 11 तारीख को वोट पड़ेंगे और 13 तारीख को वोट खुलेंगे। मतगणना के बाद किसके सर कसता है नगर पालिका का ताज। प्राइम टीवी के लिए जाहिद अख्तर की रिपोर्ट। और बदायूं के इस्लाम नगर में नगर पंचायत आम आदमी पार्टी प्रत्याशी आयशा परवीन ने घर जाकर डोर टू डोर वोट मांगने की अपील की है। पूर्व चेयरमैन वाहिद खान के परिवार ने आयशा परवीन को समर्थन दिया है। वही समर्थन के बाद बीजेपी प्रत्याशी और बसपा प्रत्याशी दोनों ही प्रत्याशियों के चुनावी समीकरण जरा बिगड़ गए हैं। पार्टी के प्रत्याशी आयशा परवीन ने नुक्कड़ सभा के साथ साथ जगह जगह वोटों की अपील करते हुए लोगों से 11 तारीख को अपने समर्थन में वोट डालने की अपील की है। उनके लिए नहीं किया मैंने, जो हमारे चचा मरहूम वाहिद खान साहब थे जो दो बार चेयरमैन इस्लाम नगर में रहे, उनके नाम के पत्थर तोड़े गए, जेसीबी चलाई गई, उनके नाम को ख़त्म करने का काम किया गया। इसलिए मैं अपने विरोधियों के साथ हाथ नहीं मिला सकता जी। तो जनता में आप वोट मांग रहे हो। डोर टू डोर कैंपेन के जरिए जनता से समर्थन मांगने का प्रयास किया है, जिसके बाद जो तमाम पार्टी है, वो भाजपा हो या फिर वो कांग्रेस ही क्यों ना हो, उन सभी के समीकरण फिलहाल बिगड़ चुके हैं। तो बदायूं में निकाय चुनाव की जंग जो है वो लगातार जारी है। वही चुनाव प्रचार के आज अंतिम दिन सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने डोर टू डोर कैंपेन करते हुए जनता से अपने पक्ष में वोट डालने की बात कही है। तो वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के चुनावी मैदान में उतरने से कहीं ना कहीं जो समीकरण है वो जरा बिगड़ गए हैं।
तो वहीं बुलंदशहर में निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण कराने को लेकर सड़क पर डीएम और एसएसपी उतरे। बता दें कि नगर पालिका गुलावटी में अर्धसैनिक बल के साथ डीएम और एसएसपी ने फ्लैग मार्च किया। वहीं डीएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराया जाए। सुरक्षा के मद्देनजर डीएम और एसएसपी जनपद के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च करते हुए भी नजर आए। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां जिला अस्पताल से रेफरल मरीज को लेने जा रही एम्बुलेंस केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के रोड शो में ही फंस गई। रोड शो की वजह से शहर की सड़कों पर लंबा जाम लग गया और गर्मी के दौरान जाम में राहगीरों को फंसने से परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। बताते चले कि स्मृति ईरानी नगर पालिका की भाजपा उम्मीदवार दीप्ति मित्तल के लिए रोड शो में वोट मांग रही थी। तो वही बुलंदशहर में गुलावटी की नगर पालिका सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी शोएब भैया की दावेदारी मजबूत हुई है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी सर्व समाज की जनता ने डोर टू डोर जाकर निर्दलीय प्रत्याशी शोएब भैया का जोरदार प्रचार किया है। आपको बता दें कि शिक्षा जगत से जुड़े हुए निर्दलीय प्रत्याशी शोएब भैया का गुलावटी नगर पालिका सीट पर मजबूत प्रभाव देखने को मिल रहा है। शोएब भैया की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए अन्य सभी प्रत्याशियों की धड़कने बढ़ती हुई नजर आई है। तो वही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बुलंद शहर में भी एक रोड शो किया है। बता दें कि नगर निकाय की जंग का दौर चल रहा है। प्रत्याशियों ने अपनी एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया है। वही केंद्रीय मंत्री ने नगर पालिका के भाजपा उम्मीदवार दीप्ति मित्तल के लिए रोड शो में वोट मांगे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने स्मृति ईरानी का पुष्प वर्षा करते हुए स्वागत किया। वही स्मृति ईरानी के साथ भाजपा के सांसद भोला सिंह, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नगर और भाजपा बुलंदशहर की उम्मीदवार दीप्ति मित्तल भी मौजूद रही। 40 से अधिक नगर पंचायतों में 5 साल प्रधानमंत्री आवास योजना में बनाए हैं। आवार्ती को लाभ दिया है, किसी को घर दिया है, किसी को आयुष्मान दिया है, किसी को गैस दिया है, किसी को बिजली दिया है, किसी को पानी, वैक्सीनेशन सभी को दिया है और कोविड में लगा वैसे माइनॉरिटी में और भी कई ब्रदर आती हैं, लेकिन मैं खास तौर से उनकी मुस्लिमों की बात कर रहा हूं। यानी कि पूरे तरीके से हमारा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है और उन्हीं के समर्थन में आज जो मंत्री जी आ रही हैं हमारे यहां पर अल्पसंख्यक विभाग की हैं, तो उनका यानी कि समर्थन करने के लिए हमारा पूरा अल्पसंख्यक समुदाय हमारे साथ है और जनपद बुलंदशहर में हमारा जगह जगह प्रचार भी हो रहा है और सब लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। चंदौली में डीएम ने टैबलेट लैब का कंपोजिट विद्यालय नरसिंहपुर खुर्द में शुभारंभ किया है। बता दें कि नीति आयोग द्वारा जनपद के 70 विद्यालय में टैबलेट लैब स्थापित किया गया है। ये टैबलेट बच्चों की सुविधाओं के लिए दिया गया है ताकि छुट्टियों में टैबलेट से बच्चे पढ़ाई कर पाए। वही डीएम ने कहा कि बच्चों में अटेंडेंस शिक्षा में अच्छा प्रभाव भी पड़ेगा। में लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों के एक होने पर ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। हमलों में ओवैसी ने कहा कि अगर बीजेपी को हराना है तो अपोजिशन के लीडर मिल जाएंगे, जिससे उनको इससे कोई फायदा नहीं होगा। इसके साथ ही ओवैसी ने सभा पर हमला बोला। आइए देखते हैं इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है। किया जाए जो लोग विधानसभा में के चुनाव में आपको वोट तो हासिल किए मगर बीजेपी को नहीं रोक सके, तो मेरी आप तमाम से फिर से ये गुजारिश है, इल्तिजा है कि आप अपने वोट का नुकसान मत करिए। लोग आएंगे आपसे मुख्तलिफ बातें करेंगे, झूठ को बयान करेंगे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बीते दिन भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के विधायक पद के उम्मीदवार मणिकांत राठौर का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जान से मारने की बात कहते हुए नजर आए हैं। वही इस मामले को लेकर आज देश भर में कांग्रेसी आक्रोशित नजर आए और मुकदमे का भी दौर शुरू हो गया। वही राजधानी लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे की अगुवाई में कार्रवाई की मांग को लेकर हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है। वही अपनी शिकायत पत्र को देते हुए क्या कुछ कहा गया है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा, वो भी आपको सुनाते हैं।
खड़गे जी को और उनके पूरे परिवार को समाप्त कर देंगे। और ये पूरा का पूरा ये ऑडियो जो पूरे हिंदुस्तान भर में वायरल हो रहा है, लेकिन चूंकि अब यह कानून का राज तो है नहीं यहाँ पर, यहाँ जो शासन चल रहा है हमारे देश में वो खाली वही शासन चल रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के हक में है, जो भारतीय जनता पार्टी शुरू करता है। तो इससे पूरा का पूरा हिंदुस्तान का एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता आहत है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में इस तरह की बातें कही जा रही है तो एक आम नागरिक के बारे में भी कहा जा सकता है। उसी के विरोध में हम लोग आज यहाँ पर आए हैं। साइबर सेल में हम लोगों ने एक FIR कॉपी दे दी है, नीचे बुलाया जा रहा। लखनऊ में होने वाले उपचुनाव में मतदान को लेकर पुलिस की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बताते कि कल यूपी के 2 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होगा। बताते चले कि रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर मतदान होगा। वही दोनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजों की घोषणा 13 मई को होगी। लेकर कहीं ना कहीं पुलिस अलर्ट नजर आई है। आपको बताते चले कि 2 सीटों पर कल उपचुनाव होने हैं, जहां एक तरफ मिर्जापुर की 96 सीट है तो वहीं रामपुर की स्वार सीट पर कल जनता अपने मत का इस्तेमाल करती हुई नजर आएगी, जिसको लेकर तमाम सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। हरदोई में दबंग महिला ने सराफा कारोबारी का चप्पल से पीटने का मामला सामने आया है। वही इस मामले में जब कारोबारी की पत्नी बचाने आती है तो उसकी भी पिटाई कर दी जाती है। पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई और मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये पाली में कस्बा पाली में ही डिक्की रस्तोगी की सराफा की दुकान है, वहाँ पे वो उनकी पत्नी मानसी बैठी थी और एक महिला और एक पुरुष वहाँ पे आए जो कि उनके ग्राहक भी हैं। उनमें आपस में कुछ लेन देन को लेके झगड़ा हुआ और महिला ने इनको उनकी पत्नी को भी मारा पीटा, तो इस पे इनकी तरफ से मानसी की तरफ से प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, इस पे आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई में पाली इलाके में गर्रा नदी के किनारे एक दिव्यांग का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटकता हुआ मिला है, जिसकी सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वह मृतक दिव्यांग के परिजनों ने मारकर लटकाने की आशंका जताई है। इस पूरे मामले में ASP पश्चिमी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि पाली क्षेत्र में एक अधेड़ ने पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली है। खबर गाजीपुर से है, जहां जिले में PWD अफसरों का एक बड़ा खेल सामने आया है, जिसमें PWD विभाग के अभियंताओं ने बगैर सड़क निर्माण के 1.5 करोड़ रुपए ठेकेदार फर्म को एडवांस पेमेंट कर दिया। मामला दलदार नगर और देवल संपर्क मार्ग का है। बता दें कि PWD ने सड़क निर्माण के लिए 31 मार्च को 1.5 करोड़ का बजट जारी किया था। इतना ही नहीं, PWD ने उस दिन काम निरीक्षण और भुगतान भी कर दिया। विभाग ने बगैर सड़क बने ही ठेकेदार फर्म को 1.5 करोड़ रुपए का एडवांस पेमेंट कर डाला, जिसकी शिकायत जमानिया के पूर्व विधायक सुनीता सिंह ने DM से की। DM ने मामले की जांच कराई तो PWD के अभियंताओं का ये बड़ा खेल भी सामने आ गया है। इसमें भुगतान 31 मार्च होने के नाते भुगतान लगभग 1.3 करोड़ का भुगतान कर दिया गया और कार्य शुरू नहीं हुआ था, तो ये एडवांस पेमेंट का केस था। इसकी जांच कराई गई, तत्समय जब जांच कराई गई तो तब तक कार्य शुरू नहीं हुआ पाया गया। उसके क्रम में हम लोगों ने CD1 XCN से स्पष्टीकरण लिया और जांच की रिपोर्ट प्रमुख सचिव PWD महोदय से बात करके उनके पास भेजी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम TV।